हे प्लान्टॉलिक्स वेलकम बैक टू माई चैनल होप यू आर डूइंग वेल इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सॉटिक हाउस प्लान्टल्ड एरो विच इज़ कॉमनली कॉल्ड एज क्रिसमस ट्री प्लांट और ऑस्ट्रेलियन पाइन और हाउस पाइन और नॉर्थ फोल्क पाइन तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड सबसे पहले जान लेते हैं इस प्लांट के बारे में दिस प्लांट इज नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना चिली ब्राज़ील एंड पैरगुए and the nature of this plant is perennial. तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा सदाबहार प्लांट होता है तो ये आपके घर सालों साल ऐसे ही बना रहेगा और आपको ऐसे ही ब्यूटीफुल से फोलिएज देगा तो फ्रेंड ये बहुत ही अच्छा सा लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और बात करें अगर इस प्लांट के स्ट्राइकिंग फीचर्स के बारे में तो आप इसकी ये जो लीव्स देख रहे हो ये बहुत ही यूनिक साइन का पैटर्न है इसलिए लोग इसे पसंद करते हैं अपने घरों में लगाना और ब्रांचेस के पास अगर आप देखोगे तो आपको ऐसी छोटी छोटी सी टाइनी सी नीडल्स दिखेंगी तो ये थोड़ा सा नीडल्स का शेप लिए होती हैं तो ये भी बहुत ही प्यारे से और यूनिक से लगते हैं तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं हमें इस प्लांट की केयर कैसे करनी है तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं मैंने इस प्लांट को अपने यहाँ आउटडोर लॉन में जमीन पे लगाया हुआ है मैं आपको दिखा देती हूं ये आप देख सकते हो मैंने इसे बाहर जमीन पे लगाया हुआ है ये देखिए और फ्रेंड्स आप चाहो तो इसे इंडोर में भी लगा सकते हो तो ये प्लांट दोनों ही जगह बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है चाहे चाहो तो आप इसे इंडोर में लगा सकते हो या फिर आप आउटडोर में भी लगा सकते हो बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है और बहुत ही ब्यूटीफुल तो सा ये ऑर्नामेंटल प्लांट होता है और फ्रेंड्स बात करें तो इस, इसकी सनलाइट की तो अगर आपने फ्रेंड्स इस को बाहर ऐसे जैसे कि मैंने लॉन में ज़मीन पे लगाया हुआ है आउटडोर में तो सनलाइट की कंसर्न से कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है अगर आप कोई भी प्लांट हो उसको ज़मीन पे लगाते हो चाहे वो सनलाइट हो या फिर वाटरिंग हो इस कंसर्न से आपके प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है बस जब भी आप अपने प्लांट को पॉट में लगाते हैं तो आपको सनलाइट और वाटरिंग का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है तो फ्रेंड्स अगर आपने इसको पॉट में लगाया हुआ है तो सबसे पहले एज़ पर साइज़ ऑफ द ऑफ पॉट ऑप्ट करना है तो आइडियल साइज जो किसी भी प्लांट के लिए होता है वो ट्वेल्व इंचज का होता है तो फ्रेंड्स मैं इसलिए ट्वेल्व इंचेस पे इंफेसाइज कर रही हूँ ताकि आपको बार बार इसकी रिपोर्टिंग ना करनी पड़े चूँकि ये प्लांट थोड़ा सा स्लो ग्रोइंग प्लांट है तो इसलिए लोग ये सोचते हैं कि हमने जितना बड़ा सा प्लांट लिया है उसी के अकॉर्डिंग हम छोटा सा बिल्कुल पॉट में लगा दें तो वो भी नहीं करना है आपको आपका प्लांट अगर थोड़ा सा स्टैब्लिश है तो आप उसको ट्वेल्व इंचज के पॉट में लगाइएगा ताकि ओवर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़े चूंकि जब ये प्लांट एक बार स्टैब्लिश हो जाता है और आपने अगर इसकी केयर अच्छे से की है तो इसमें ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे से होती है तो फ्रेंड्स ये बात हो गई पॉट की तो की हम बात करें तो ब्राइट जो इनडायरेक्ट सन होती है वो पसंद होती है तो इनडोर में आपको इसको ऐसी जगह पर रखना है जहां पर इसे ब्राइट सी इनडायरेक्ट सनलाइट मिले जो कि मॉर्निंग सनलाइट होती है वो बहुत अच्छे बहुत अच्छा है इसकी ग्रोथ के लिए आपको इसको आफ्टर फ्टरनून तो सन से बचाना है अगर आपने इसको पॉट में लगाया हुआ है और इवनिंग की भी सनलाइट मिल जाती है तो वो भी बहुत अच्छा है इस प्लांट की ग्रोथ के लिए अब हम बात कर लेते हैं वाटरिंग की तो फ्रेंड्स चूंकि स्प्रिंग इसका ग्रोइंग पीरियड होता है तो उस समय आपको वाटरिंग इसमें रेगुलरली करनी पड़ेगी चूँकि ये प्लांट थोड़ा सा आ, इसकी जो सॉइल होती है उसमें मॉइस्चर पसंद करता है तो जब भी आपके प्लांट में न्यू न्यू शूट्स आ रही होती हैं उस समय आप रेगुलरली इस प्लांट में पानी डाल और रेस्टिंग पीरियड में आपको इसमें वाटरिंग मॉडरेट करनी है इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा और फ्रेंड्स अगर आपने इसको जमीन पर लगाया हुआ है तो ओवर वाटरिंग का इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती चूंकि जब आप पानी डालते हो तो इधर उधर से जाकर अदर प्लांट्स में भी चला जाता है लेकिन जब भी आप अपने प्लांट में पानी डालते हैं तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपके पॉट में वाटर स्टैंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये प्लांट कभी भी स्टैंडिंग वाटर में सरवाइव नहीं करता है है, इसकी जो रूट्स होती हैं वो रॉट हो जाती हैं इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा और फ्रेंड्स ये प्लांट ना ही, आ, ना ही ओवर वाटरिंग पसंद है ना ही इसे under -watering पसंद है तो ये इस चीज़ का भी आप धन, भी आप आप ध्यान ध्यान ज़रूर रखिएगा जब पानी इसमें डालते हो और फ्रेंड्स इसे ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है तो उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपको ये करना है जब भी आप अपने प्लांट में पानी डालते हैं तो उस समय आप अपने प्लांट की ये जो लीव्स है ना इस पर आप मिस्टिंग कर दो मिस्टिंग करने से से ये बेनिफिट होगा कि आपके प्लांट के जो आसपास का एटमॉस्फेयर होगा उसमें थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी जो कि इस प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है और समर सीजन में आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप बाल्टी में पानी भरकर उसमें थोड़े से आप स्टोन्स डाल दीजिए और वो आप इस प्लांट के अगल बगल में रख दीजिए वो भी ह्यूमिडिटी को बढ़ा देता है और या फिर आप एक काम और कर सकते हो कि अगर आपने इस प्लांट को इंडोर में लगा के रखा है पॉट में तो आप इसको दो तीन प्लांट्स के बीच में रख दीजिए लेकिन बहुत क्लोज आपको नहीं रखना है चूँकि जब इस प्लांट में ग्रोथ होना शुरू होती है तो इसकी ब्रांचेज भी फैलना शुरू होती हैं तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा तो उससे भी ह्यूमिडिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी और फ्रेंड्स जब भी ज़मीन पर भी लगाते हैं तो ये भी देखेगा कि इसके आस में अगल बगल में आपने कोई ऐसा बड़ा ट्री या प्लांट भी नहीं लगाना है चूँकि जब ये एक बार स्टैब्लिश हो जाता तो ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं सॉइल की कि इस प्लांट को सॉइल कैसी पसंद है तो इससे वेल ड्रेन सी सॉइल पसंद है तो इसके लिए आपको करना क्या है इसके लिए आपको एक पोर्शन गार्डन सोइल लेनी है एक ही पोर्शन आप सैंड ले लीजिए एक पोर्शन आप चाहो तो वर्मी कंपोज ले लीजिए या फिर आप काउडंग ले लीजिए जो भी आपके पास अवेलेबल हो और थोड़ी सी आप नीम खली ले लीजिए ये बहुत ही अच्छा सा पॉटिंग मिक्सचर बन जाएगा उसमें आप अपने इस प्लांट को लगा दीजिए बहुत ही अच्छे से आपका प्लांट ग्रो करेगा और फ्रेंड जब एक चीज मैं आपको और बताना भूल गई हूँ कि जब आप अपने प्लांट में पानी डालते तो आपको अपनी जो प्लांट का पॉट है उसका ड्रेनेज भी बहुत ज़रूरी है चेक करना कि उसमें कोई भी किसी भी तरीके का एक्सेस वाटर स्टैंड नहीं करना चाहिए वो जो वाटर है एक्सेस वो बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाना चाहिए जो कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल भी इसको ओवर वाटरिंग नहीं पसंद है इस बात का भी ध्यान जरूर रखिएगा इसीलिए मैंने आपको वेल ड्रेन सॉइल बताया तो उसमें अगर आप सैंड मिला देते हो तो आपके प्लांट में जो मॉइस्चर होगा उस प्लांट की सॉइल में वो भी बना रहेगा और जो एक्सेस वाटर टर भी होगा अगर आपने उसका जो नीचे जो ड्रेनेज होल है वो आपने बहुत अच्छे से उसमें जो स्टोन्स लगाए जाते हैं नीचे आप चाहो तो टेराकोटा का जो आपके पास टूटा कोई पॉट का लेफ्ट ओवर बच जाता वो भी आप इसके पॉट के जो ड्रेनेज होल पे वो भी रख सकते हो तो उससे यही होना चाहिए कि एक्सेस जो वाटर हो जा होता है वो ड्रेन आउट हो जाना चाहिए इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर्स की तो फ्रेंड्स अगर आप अपने प्लांट में गोबर की खाद देते हो जैसे कि मैं अपने सभी प्लांट में साल में दो बार गोबर की खाद ज़रूर देती हूँ एक मैं मानसून सीजन में देती हूँ एक मैं फेब में देती हूँ दैट इज़ मोर देन इनफ आपको उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है और अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोज भी डाल सकते हैं या फिर आप जैसे पंद्रह से बीस दिन में मैं अपने अदर प्लांट्स में भी कुछ प्लांट्स हैं जिसमें मैं लिक्विड फर्टिलाइजर डालती हूँ तो वो भी अगर आप डालते हैं तो अगर आप इस प्लांट में भी डाल देंगे तो वो इसकी फोलिएज के लिए बहुत अच्छा है और फ्रेंड्स अगर आपके पास नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर है तो वो तो बहुत ही अच्छा है इस प्लांट की फोलिएज के लिए और ग्रोथ के लिए भी जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो किसी भी प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको इंकरेज करता है अब फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मुझे आपको बताना है इस प्लांट में कभी भी आपको इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी वो भी टॉप आपको इस प्लांट का ये जो आप टॉप देख रहे हो जहाँ से ग्रोथ शुरू होती है वहाँ कभी भी इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी या किसी भी तरीके की आपको टॉप पे प्रोनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी ना ही आपको साइड में प्रूनिंग करनी है नहीं तो आपका प्लांट जो होगा वो एक तरीके से शॉक में आ जाएगा और उसकी ग्रोथ होना रुक जाएगी और फ्रेंड्स बढ़ता जाता है तो आपको इसमें प्रोनिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बस आप नीचे की जो डेड ब्रांचेज होंगी उसको आप सॉफ्ट प्रोनिंग कर दीजिए और प्रोपोगेशन की बात करें हम तो सीड्स और कटिंग के थ्रू ये बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा होप यू लाइक द वीडियो थैंक यू सो मच